नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम पर। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, आपका अपना खास कार्यक्रम जनाक्रोश लेकर। जनाक्रोश में हम बात करते हैं जनता के मुद्दों की, जनता के आक्रोश को हम सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार फिर उस पर एक्शन लेती है। आज भी बात करेंगे जनाक्रोश में एक ऐसे ही मुद्दे की जो जनता से जुड़ा हुआ है। आज हम मुद्दा बनाने जा रहे हैं, आज आक्रोश जनता का इसलिए उठा है कि पहाड़ी इलाकों में खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन लगातार किया जा रहा है और सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर खनन माफिया लगातार खनन कर रहे हैं और प्रशासन सिर्फ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि समय की कमी है, हम और कार्यों में व्यस्त रहते हैं इसलिए हम नहीं पकड़ पाते। अभी कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले खनन माफियाओं पर लगाम लगाई गई थी, तमाम खनन माफियाओं पर जुर्माना डाला गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा खनन माफियाओं के कोहराम पर। सरकार को चुनौती देते खनन माफिया, खुलेआम खनन करते खनन माफिया, लाखों का चूना लगाते खनन माफिया। कहां हो सरकार, अब तो जागो सरकार, कब तक करोगे माफियाओं पर उपकार। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इस कहावत को सिद्ध करती हैं ये तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां माफियाओं पर उपकार होता है ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं। नदियों को लगातार खोदने में जुटे इन खनन माफियाओं को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इनके इस कारनामे का आने वाले समय में क्या असर होने वाला है। इसका असर सिर्फ नदी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे आसपास के गांववासी भी प्रभावित होंगे, आसपास का इलाका भी प्रभावित होगा। ये तस्वीरें सितारगंज के गांव उकरौली और साधुनगर की हैं, जहां कैलाश नदी से रेता बजरी का अवैध खनन जोरों पर है, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का घाटा हो रहा है। खनन करने वाले पट्टाधारक इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो सीमांकित क्षेत्र से बाहर तो खनन कर ही रहे हैं, इसके साथ ही वन संपदा को भी नष्ट किया जा रहा है। खनन माफिया वनों में भी खनन करने से बाज नहीं आ रहे, इसे प्रशासन की मिलीभगत ना कहें तो क्या कहें कि खुलेआम बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है और कोई अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा। उकरौली क्षेत्र में खनन जो अवैध खनन जो है वो किया जा रहा है, उस खनन से जो है फैक्ट्रियों का अस्तित्व को खतरा बना पड़ा है कि फैक्ट्रियों के जड़ के आगे से पूरा जो खनन किया जा रहा है उसके लिए पूरा आप बताना चाहेंगे? पूरा बता, अवैध खनन जो पूर्ण रूप से गलत है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी टीम के द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई चाहेंगे कि जो फैक्ट्रियों के सीधा आगे से जाकर के उकरौली गांव भी चपेट में आ सकता है? अगर जनता को या किसी आम चीज को उनके हकों से दिक्कत होती है तो हम लोग बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। औद्योगिक पार्क से सटी कैलाश नदी से हर साल रेता बजरी का खनन किया जाता है। यहाँ खनन के लिए नियम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन कोई नियमों को माने ये कैसे हो सकता है? बीजेपी की माने तो यहाँ तो माफियाओं की सरकार चल रही है। नदी के छोर से कितनी दूरी पर होगा खनन, कितनी गहराई तक होगा खनन, सूर्यास्त के बाद नहीं होगा खनन, नदी के छोर से कितनी दूरी पर खनन किया जाना है और ये खनन कितनी गहराई तक होगा, इसके लिए नियम है, कानून है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद खनन नहीं किया जा सकता। जितने क्षेत्र में खनन किया जाना है उस क्षेत्र का सीमांकन तय कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही खनन शुरू होता है ये सभी नियम कायदे धरे के धरे रह जाते हैं और आजकल तो नियम कायदों को ताक पर रखकर खुलेआम खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। फैक्ट्रियों के पास मानकों के विपरीत
जोर शोर से खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ बहाने बनाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे इलाके में खनन माफियाओं को अपनी मनमानी करने के लिए बेलगाम छोड़ दिया गया है। छापेमारी तो होती है, लेकिन सिर्फ दिखावे की। वहीं अगर वन विभाग की बात करें तो वन विभाग सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना, हमारा क्या जा रहा है, यही सिद्ध हो जाता है। यहाँ उखरौली नदी में लगातार खनन का कार्य चल रहा है, जिसमें लगातार प्रशासन जाता है, छापामारी करता है, करोड़ों का जुर्माना लगाता है, लेकिन ये जुर्माना कुछ लाखों में, 5-7 लाखों में वसूला किया गया है। इसमें प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर इस कार्य को रोकथाम नहीं की, खनन पर रोकथाम नहीं की गई, तो सीतारन में जो उद्योग बसाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जो उद्योग की रचना की गई थी, उद्योग को बहुत बड़ा खतरा है। बगल में बना हेलीपैड, छिटकुल का ऑफिस, और बगल में जमीन जो सरकारी अपने उखरौली गाँव है, इसको बहुत बड़ा खतरा है, इसके अस्तित्व को खतरा है। काफी जोर शोर से खनन हो रहा है, रात में लोग अपने बिगर उसके लोग रात में खनन कर रहे हैं। आने वाले समय में लोगों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को अभी से चेतावनी से रहना चाहिए, और किसी को भी इसमें फैक्ट्री को, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री को और काश्तकारों को बहुत नुकसान है इसमें आने वाले समय, क्योंकि नदियाँ गहरी हो जाएंगी तो नदी का जो प्रभाव है वो गाँव की तरफ पड़ेगा इसमें। वहीं कुछ पट्टाधारकों द्वारा अवैध रूप से खनन सामग्री के ढेर देखे जा सकते हैं। स्टॉक की परमिशन के पीछे अवैध खनन के काम को बखूबी चलाया जा रहा है, मगर प्रशासन चुप्पी तोड़ने को राजी नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि जब स्टॉक करने की ही परमिशन है तो स्टॉक धड़ल्ले से बेच क्यों दिया जाता है? प्रशासन की नाक के नीचे डंपर ले जाकर जगह जगह सप्लाई कैसे दे दी जाती है? लगातार खनन का कार्य चल रहा है, जिसमें लगातार प्रशासन जाता है, छापामारी करता है, करोड़ों का जुर्माना लगाता है, लेकिन ये जुर्माना कुछ लाखों में, 5-7 लाखों में वसूला किया गया है। इसमें प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर इस कार्य को रोकथाम नहीं की, खनन पर रोकथाम नहीं की गई, तो सीतारन में जो उद्योग बसाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जो उद्योग की रचना की गई थी, उद्योग को बहुत बड़ा खतरा है। बगल में बना हेलीपैड, छिटकुल का ऑफिस, और बगल में जमीन जो सरकारी अपने उखरौली गाँव है, इसको बहुत बड़ा खतरा है, इसके अस्तित्व को खतरा है। पिछले दिनों प्रशासनिक टीम थोड़ी सक्रिय नजर आई थी, छापेमारी की गई थी, अनियमितताएं पाए जाने के बाद पट्टा धारकों पर जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए। आज आलम यह है कि जिस पट्टाधारक पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया, वही अब सबसे ज्यादा खनन करने में जुटा है। एसडीएम एपी वाजपेयी से जब इस बाबत इंडिया क्राइम ने सवाल किया तो उनका जवाब सुनकर हम दंग रह गए। एसडीएम साहब का बहाना वाकई लाजवाब था, आप भी सुनिए। के साथ एक संयुक्त इसमें निरीक्षण किया गया था, और उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास हमने जुर्माना इसमें रिकमेंड किया था, और उसमें सुनवाई भी हो रही है। अभी कुछ पट्टाधारक यहाँ पर जिन्होंने अपना काम बंद किया है, लेकिन उसके बाद भी कई पट्टे यहाँ पर चल रहे हैं, जैसी शिकायतें आ रही हैं। अभी ये RTO से भी मेरी बात हुई है, अवैध जो ओवरलोडिंग के संदर्भ में, और पुलिस को भी हम निर्देश कर रहे हैं, अपने स्तर से भी इसमें जाँच करेंगे। ये वो अधिकारी हैं जिन्हें जनता की सेवा और सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए रखा गया है, लेकिन इनके बहाने सुनकर समझ आ गया कि ये अपने फर्ज के लिए कितने अडिग हैं। करोड़ों का जुर्माना लगाने के बाद भी उसकी वसूली नहीं हो रही है। माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो जुर्माने की रस्म अदायगी की जा रही है। कई सवाल ऐसे में खड़े हो जाते हैं। प्रशासन को सूचना देने पर माफियाओं का सतर्क होना, क्या मिलीभगत से चल रहा है खनन, छापे की सूचना माफियाओं तक कौन पहुंचाता है? आखिर ऐसा कौन सा यंत्र होता है इन माफियाओं के पास कि इन्हें पता चल जाता है कि अब प्रशासन का छापा लगने वाला है? प्रशासन और खनन माफियाओं के इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर यहाँ पर नारद कौन है। इंडिया क्राइम का सवाल सरकार से भी है और प्रशासन से भी कि आखिर कब तक यूं ही प्रदेश का खजाना, प्रदेश की संपदा माफियाओं की जेब भरता रहेगा, आखिर कब तक? अब देखना ये बाकी है कि प्रशासन खनन माफियाओं पर आगे क्या कार्रवाई करता है, या यूं ही सरकारी खजाने की लूट खसोट लगातार होती रहेगी।
और अगर यही होता रहा तो हम तो यही कहेंगे, जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। स्पेशल डेस्क इंडिया क्राइम। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से खनन माफिया सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से खनन माफिया प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई खड़े हो जाते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चलेगा। जनाक्रोश में आ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे सवाल और जवाब के साथ।